नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सरकार की नई नीति हरित हाइड्रोजन नीति 2023, जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके जो अनुमोदन है उसको मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। तो आज के इस क्लास में हम राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 है उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम जो केंद्र सरकार का हरित हाइड्रोजन मिशन है 2023 का, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हरित हाइड्रोजन के साथ साथ आपके ब्लू हाइड्रोजन होगी, पिंक, ब्राउन, इन सभी हाइड्रोजन है उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखो, शुरुआत करें क्लास की। सबसे पहले हम जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है भविष्य का ईंधन। अब देखो, इसे भविष्य का ईंधन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन इमिशन है वो कितना होता है, 0%। मतलब इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन है वो 0% है, मतलब ये किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है। और साथ ही आपको पता होगा कि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक क्या कर दिया जाए, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको 0% कर दिया जाए, मतलब बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं हो। और इसलिए सरकार है उसके लिए प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसका उपयोग किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए। अब देखो, इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जितनी भी गाड़ियां चलती है, मान लो कार हो गई, स्कूटी हो गया, बाइक होती है, साथ ही प्लेन हो गए, जहाज हो गए, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर, इतने दिन तो जो सरकार है वो ईवी को प्रमोट कर रही थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको प्रमोट कर रही थी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, ईवी की कुछ सीमाएं हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसमें क्या है, एक तो यदि हम बात करें कि वो डिस्चार्ज हो गई, उसमें लिथियम आयन बैटरी रहती है, और मान लो डिस्चार्ज हो गई तो उसके लिए क्या करना होगा, लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा उसे चार्ज करने में। और जबकि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जैसे पेट्रोल में जितना टाइम लगता है भरने में उतना ही टाइम लगता है, इसमें हाइड्रोजन सेल काम करते हैं। साथ ही इसमें क्या है कि जो बड़े विमान है, जैसे हम मैं बात करूंगी जहाज है, वो इससे ईवी से नहीं चल सकती, बड़े बड़े ट्रक है वो ईवी से नहीं चल सकते, साथ ही हम प्लेन की बात करें वो भी इसमें ईवी से नहीं चल सकते। तो वो किससे चल सकते हैं, वो चल सकते हैं आपके हरित हाइड्रोजन से। मैं प्लेन की बात करूं तो जो टोटल यातायात है, टोटल यातायात का 10% जो प्रदूषण है, वो जो कार्बन इमिशन है वो कौन करता है, प्लेन करता है। मतलब यदि यातायात में जो टोटल जो हम कार्बन का इमिशन 100% माने, तो उसमें से 10% तो कौन कर रहा है, ओनली प्लेन कर रहा है। अब ये सोचो कि यदि इसे हम किससे चलाएं, हरित हाइड्रोजन से चलाएं, तो मुझे बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। फिर देखो, हम आगे बात करें, आगे हम हाइड्रोजन से बात करें, तो हाइड्रोजन की खोज है वो कब की गई थी, तो उसकी खोज की गई थी 1766 में, किसके द्वारा, तो हेनरी केवेंडिश के द्वारा। थोड़ा सा याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, किसके द्वारा, हेनरी केवेंडिश के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर देखो, इसके बारे में हम बात करें तो ये जो अपने वातावरण है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसकी एक समस्या क्या है कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में, ये अकेला कभी भी नहीं मिलेगा, हमें हमेशा किसी के साथ बॉन्ड बनाकर ही आपको दिखाई देगा। अब देखो, हम बात करें कि हरित हाइड्रोजन बनती कैसे है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बनती कैसे है, इसके बारे में हम बात करें, फिर हम धीरे धीरे सारी चीजें के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो हरित हाइड्रोजन है उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो, इसके लिए क्या किया जाता है, आपने छोटी क्लासों में जब आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, तब एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जब जब हम क्या करें, बीकर लें, उसमें पानी डालें, क्या डालें, H2O डालें, तब उस और उसमें क्या करें, हम एनोड और कैथोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं ऐसे। देखो ये देखो, यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है, एनोड और कैथोड लगा दी, और ये देखो ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तब क्या लिखेंगे, बुलबुले निकलेंगे। और वो बुलबुले किसके होते हैं, वो होते हैं आपके H2 और O2 के। और आपने देखो ये एक समीकरण देखी होगी, 2H2 प्लस O2 बराबर क्या हो जाता है, H2, और इसको हम ये लो 2H2O हो गई। अब इससे क्या किया जाए, H2O से क्या क्या किया, ऑक्सीजन भी बनाई गई और हाइड्रोजन भी बनाई गई। और ये किससे बनाया जाता है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, उसको बोला जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको जरूर याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, और उसमें एनोड और कैथोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसे देखो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर स्टोर कर लिया गया है। अब देखो, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्या किया गया, पानी लिया, पानी में क्या किया गया, विद्युत प्रवाहित की गई और जिससे हाइड्रोजन निकली, और इसको यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को क्या किया, स्टोर कर लिया। अब एक चीज इसमें ये आती है कि हमने क्या किया, विद्युत प्रवाहित की।
अब ये विद्युत कहां से आई? आप ये सोचो, यदि मैं ऐसे बोल दूं कि ये विद्युत है वो कहां से आ गई, विद्युत अपचय कहां से आती है, जैसे कोयला संयंत्र है वहां से विद्युत बनाई गई, तो मुझे बताओ कि ये ग्रीन गैस हो गई क्या? मतलब ग्रीन, अपन बात करें ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हो जाएगी, इससे तो कार्बन इमिशन हो रहा है। जैसे आप देखो, यहाँ हम बात करें कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, हम बात करते हैं हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें क्या होता है, तो प्रदूषण है वो बिल्कुल शून्य है। लेकिन आप इस चीज को समझो, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या पोल्यूशन, क्या समस्या आ रही है, इसलिए हम ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन लेके आ रहे हैं। कि जब भी आप एक गाड़ी लो और उसमें क्या हो रहा है कि मान लो उसको काम में ले रहे हो, अब वो डिस्चार्ज हो गई, तब क्या करोगे, वापस चार्ज करोगे, बिजली कहाँ से आएगी, तो घर वाले प्लग में से लगा लिए। अब मुझे बताओ कि जो घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है, घर में बिजली कहाँ से आ रही है, जो जहाँ से बन रही है, मान लो कि एक कोयला संयंत्र है वहां से बिजली बनाई जा रही है। और हम भारत की बात करूँ तो भारत में लगभग 50-60% जो बिजली है वो किससे बनती है, गैर नवीनीकरण जो स्रोत है उससे बनती है। मतलब मान लो कोयले से बन गई, पेट्रोल से बन गई, तो वो क्या हो गया, वहां से पोल्यूशन हो रहा है। अब बिजली जहां से बन रही है वहां से पोल्यूशन तो हो रहा है। अब हमने ऐसा कर दिया कि जहां पे संयंत्र लगा हुआ है वहां तो पोल्यूशन होने दो, और लेकिन शहरों में पोल्यूशन नहीं हो, उसके लिए ईवी चला दी हमने। मतलब कुल मिला के ईवी है वो क्या है, फ्यूचर नहीं है भारत का, और किसी भी देश का, भारत की नहीं बात करूं, विश्व का फ्यूचर है वो ईवी नहीं है। ईवी क्यों नहीं है, क्योंकि ईवी को जो बिजली बनती है वो बिजली कौन सी बना रहे हैं, हम कोयले से बना रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नवीनीकृत बिजली के स्रोत है उससे बिजली बनानी पड़ेगी। फिर देखो यहां हम देखें, अब यहां हम बात आते हैं ये बिजली कहां से आ रही है। अब ये जैसे जैसे बिजली आती है वैसे ही हम हाइड्रोजन का जो कलर है वो चेंज होता है, कलर हाइड्रोजन कलर नहीं चेंज होता, उसका हमने नाम चेंज कर दिया है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन। वो सारी चीजें किससे होगी कि वो जो बिजली है वो कहाँ से आ रही है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें बिजली कहाँ से आती है, उसमें बिजली आती है आपके जो सौर ऊर्जा हो गई, जो आप पवन चक्कियां होती है उससे बिजली आती है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। वैसे ही ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, उसका जो कलर है वो किसके हिसाब से तय किया गया है, वो तय किया गया है बिजली के स्रोत के हिसाब से। आप देखो यहाँ चीजें समझो, टोटल कितने 7 प्रकार के जो हाइड्रोजन है वो इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसका कलर ग्रे है, इसका एक नाम दे दिया गया है कि इसको ग्रे हाइड्रोजन बोला जाएगा। इसका कारण क्या है कि इसमें जो बिजली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, नेचुरल गैस से बनाई जाती है। ये भी चीजें याद रखना है, इसे एग्जाम में चीजें पूछी जा सकती है आपको कि इसमें जो बिजली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, नेचुरल गैस से बनाई जाती है। और जो प्रोसेस है वो क्या है, आपके स्टीम रिफॉर्मिंग, इसमें मीथेन स्टीम रिफॉर्मिंग भी बोला जाता है, उससे इसकी इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। वही हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन की, तो देखो ब्लू हाइड्रोजन में क्या किया जाता है, इसमें भी नेचुरल गैस का ही यूज लिया जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज क्या है कि इसमें देखो इसमें क्या होगा, आप नेचुरल गैस से बनाओगे तो क्या निकलेगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। लेकिन जब हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन की, तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या क्या किया जाता है, जो कार्बन है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। चीजों को समझना, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन आप थोड़ा सा समझोगे आपको पता लग जाएगा क्या है कि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें जो कार्बन निकलेगा वो क्या होगा, वो हवा में चला जाएगा। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन है उसमें क्या किया गया है, जो कार्बन निकलेगी उसको क्या किया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है और किसी उद्योग में और किसी स्थान पर इसका यूज में ले लिया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू हाइड्रोजन। और इसको भी जो बनाने की प्रोसेस है वो क्या है, स्टीम रिफॉर्मिंग ही इसकी प्रोसेस है। फिर देखो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करें ब्लैक हाइड्रोजन की। अब ब्लैक हाइड्रोजन में क्या होता है, कोल का यूज किया जाता है। अब देखो यदि हम मान लो कि हाइड्रोजन का ही यूज कर रहे हैं, और इसका मतलब देखो यहाँ है, यहाँ देखो हम ये सारी प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इसको इसका जो प्रोसेस में हम यूज ले रहे हैं मान लो ब्लैक हाइड्रोजन का, मतलब हम जो कोल है, कोयला है, उससे बनी हुई बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका फिर कोई सेंस ही नहीं रहता, इसलिए हम बात करते हैं हमेशा ग्रीन हाइड्रोजन की। देखो आप यहाँ देखोगे इसमें क्या होता है, कोल का यूज किया जाता है और जो प्रोसेस है वो क्या है, गैसिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं पिंक हाइड्रोजन की। अब देखो पिंक हाइड्रोजन है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, वही इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इससे पहले हमने इससे बात की थी उसे, इस प्रोसेस का यूज लिया जाता है। फिर आपके देखो टर्क्यूइस हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है वो कौन सी है, इसमें प्रोसेस है आपके पाइरोलाइसिस प्रोसेस है, और इसमें नेचुरल गैस का ही यूज लिया जाता है। फिर आते हैं अपने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, और यही क्या है, भविष्य है। अब देखो इसमें क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें प्रोसेस तो कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, जो हमने इससे पहले बात की, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रयोग का मतलब प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। और सोर्स क्या है इसमें, सोर्स है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें देखो पवन चक्की होगी, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है उसका इसमें उपयोग किया जाता है। फिर देखो आगे बात आती है अपने येलो
हाइड्रोजन। अब येलो हाइड्रोजन में क्या होता है, जो प्रोसेस है वो तो इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस है, लेकिन इसमें सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो ये इस दोनों में भी आपको याद रखना है कि जो येलो हाइड्रोजन है और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर देखो एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, यदि हम मान लो कि हमने क्या किया, पवन चक्की या हमने जो सौर ऊर्जा है उससे बिजली बनाई, लेकिन उसकी एक समस्या है कि उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को क्या हो सकता है, हम टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जा भी जाया जा सकता है। मतलब मान लो हमने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। फिर देखो आगे बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, जो केंद्र सरकार द्वारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे बाद में हम जो राजस्थान सरकार की जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसके बारे में बात करें, लेकिन पहले हम बात करें केंद्र सरकार की। तो देखो ये जो हाइड्रोजन मिशन है ये लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था January 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अब देखो इसके बारे में हम बात करें तो देखो इसमें टोटल 19,744 करोड़ रुपए का बजट है। मतलब टोटल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे इस मिशन के तहत, तो इसमें 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही हम मैं बात करूं तो अभी हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में हर साल 40% मतलब टोटल हम कितना, हम जितनी विद्युत का इस्तेमाल करते हैं, हम अभी मान लो कि हम टोटल जो आपकी ऊर्जा है उसका 100% इस्तेमाल करते हैं, तो उसका 40% हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत का क्या लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हम क्या करें, मतलब जब हमारा देश आजाद होने के जब 100 साल हो जाएंगे तब हम क्या करें कि जो इंपोर्ट है वो कितना कर दें, जीरो कर दें, मतलब हम एनर्जी में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, ये लक्ष्य है भारत का। साथ ही आपको पता ही है, मैंने बता दिया कि 2070 तक भारत का क्या लक्ष्य है, कि हमारा लक्ष्य है कि जो कार्बन इमिशन है उसको हम क्या कर दें, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम क्या कर दें, 0% तक लेकर जाया जा सके। तो देखो इसके लिए हम ये नीति जारी की गई है। अब देखो हम बात करें इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि भारत क्या करें, हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करें। कितना, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको हमेशा याद रखना है कितना। तो इसका लक्ष्य रखा गया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है केंद्र सरकार का, उसका लक्ष्य है कि जो भारत है वो क्या करे, हर साल कितना करे, 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करें, ये लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करें कि इतनी सारी चीजें करने से जो आउटपुट है वो क्या निकलने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करें तो एक तो क्या होगा, 5 मिलियन मेट्रिक टन है वो हाइड्रोजन का निर्माण होगा। साथ ही हम बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, तो 125 गीगावाट है वो बढ़ जाएगी लगभग बताया गया है। साथ ही देखो इसमें 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और 6 लाख है वो फुल टाइम जॉब भी क्रिएट होगी। कितनी, तो 6 लाख। फिर देखो आगे हम बात करें और फिर देखो जो इंपोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें 50 MMT मतलब 50 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है वो CO2 जो एमिशन है वो क्या होगा, कम होगा। कितना, 50 मेट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका जो आपके इमिशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका सारा आउटपुट है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां तो आपका अभी तक इसी का वेट था, हम इसके बारे में बात करें तो देखो इसका नाम है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। इसको मंजूरी के बारे में बात करें तो जो राजस्थान सरकार है उसने 16 सितंबर 2023 को इसकी मंजूरी दे दी है। और ये किसके अधीन है, तो ये ऊर्जा विभाग के अधीन है। इसके बारे में हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तलाश और निवेशकों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लेकर आई है। फिर देखो इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में बात करें तो इस निर्णय से राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पाद करने वाले कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब सरकार क्या करेगी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं वो इसके लिए काम करेगी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो सरकार है उनको सब्सिडी प्रदान करेगी। और केंद्र सरकार भी क्या कर रही है, उस मिशन की तरह सब्सिडी प्रदान कर रही है और जो टैक्सेस है उसमें छूट दे रही है। फिर देखो हम बात करें इसके आगे कि प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब जैसे हमने केंद्र सरकार में देखा तो इसमें भी क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे। फिर देखो आगे बात करें, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के सर्वाधिक स्रोत उपलब्ध है। हम बात करें तो अभी भारत में अपने राजस्थान में 325 दिन है, उसमें क्या होता है, जो सूरज है वो साफ दिखता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है कि हम अक्षय ऊर्जा जो सौर पैनल है वो लगाएं और ऊर्जा का क्या करें, हम जो विद्युत बनाएं और उस विद्युत से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन उसका निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइजर से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। फिर देखो इसमें प्रावधान क्या क्या क्या, मतलब कौन कौन से प्रावधान है, तो राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA, अब देखो KTPA क्या है,
पीए मतलब है किलो टन पर एनम, मतलब एक साल में 1 किलो टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन की बात की जा रही है। अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक क्या किया जाएगा, प्रसारण एवं वितरण जो शुल्क है उसमें आपकी 50% की छूट दी जाएगी। साथ ही देखो थर्ड पार्टी अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज से 10 वर्ष तक छूट उपलब्ध की जाएगी। और बात की जाए तो परिशोधन या खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना में क्या किया जाएगा, 30% की क्या दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, मतलब 30% या कितने, अधिकतम 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मतलब जो भी ज्यादा होगा वो चीजें दी जाएगी किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। वही मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में यहाँ क्या कर रहा है, 25 साल तक छूट दे रहा है। मतलब क्या हो गया कि यदि हम क्या करें कि मान लो राजस्थान है, हम राजस्थान में क्या हो रहा है, मान लो बिजली ज्यादा बन रही है, मतलब हम अक्षय ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं, लेकिन मान लो असम में क्या किया जा रहा है कि ये प्लांट लगे हुए हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है। अब तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है वो थोड़ी महंगी है। अभी हम बात करें तो यदि हम आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बहुत कितना जल्दी हो सकता है, हमारे पास तो सोलर पैनल तो लगे हुए हैं, ये फटाफट ये ग्रीन हाइड्रोजन बन सकती है, लेकिन इसकी समस्या क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है वो बहुत महंगी है, और इससे यदि हम बात करें तो इसमें क्या जो उत्पादन होता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और ये प्रोसेस बहुत महंगी होती है। अब क्या किया जा रहा है, वैज्ञानिक है वो सारे शोध करेंगे, और जो चीज मान लो शुरू में जब भी आती है तो वो महंगी आती है, लेकिन वो धीरे 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 क्या होता है, वो सस्ती हो जाती है और उसमें चीजें परिवर्तित आती होती रहती जाती है। और इसके देखें इसके अतिरिक्त ट्रिप्स 2022 के तहत विभिन्न छूट, जल की उपलब्धता एवं बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब बात करते हैं हम लक्ष्य की, ये बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, लक्ष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या है, अब देखो यदि हम केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार में 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा गया था कि 5 मिलियन मैट्रिक टन हम पर एनम क्या करें, उत्पादन करें। ये किसका है, तो ये है लक्ष्य हमारे केंद्र सरकार का जो मिशन चलाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जबकि हम बात करें राजस्थान सरकार की तो राजस्थान क्या बोलता है कि हमें क्या करना है 2030 तक 2000 KTPA मतलब किलो टन पर एनम उत्पादन करना है। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें 4 श्रेणियों की परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट अभी तक क्या चीजें इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है वो क्या है, हमें केंद्र सरकार का याद रखना है, केंद्र सरकार कितनी, तो 5 MMTP मतलब 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम उत्पादन करना है। लक्ष्य कितना है 2030 तक, और वही बात करें लक्ष्य दोनों का सेम है, केंद्र सरकार भी क्या बोलती है 2030 तक, और राज्य सरकार भी इसका लक्ष्य 2030 तक ही रख रही है, और 2030 तक इसमें उत्पादन कितना है 2000 KTPA है, मतलब KTPA का मतलब भी याद रखना है, KTPA मतलब क्या हो गया, किलोग्राम टन पर एनम उत्पादन करना है, ये लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।